केबी न्यूज इंडिया प्रस्तुत करते हैं एक मुलाकात। नमस्कार, केबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। आज हमारे साथ मौजूद है मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साहब। चौधरी साहब से हम बात करेंगे और जानेंगे कि मानव क्रांति पार्टी जो नवनिर्मित पार्टी है, इस पार्टी को बनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था और इस पार्टी में फिलहाल कितने सदस्य हैं और इस पार्टी को लेकर उनकी भविष्य में क्या योजना है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आप व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने का आपने किस तरह विचार आया आपने। देखिए, मेरा नाम जैसे कि बताया आर एन चौधरी, रामनरेश चौधरी है। मैं कौशाम्बी जनपद के एक तहसील है सिराथू तहसील में, एक छोटा सा गांव है टाणा, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा कार्य क्षेत्र फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट खागा ससुर हुआ, खागा में समय वर्तमान में मैं रह रहा हूँ। तो 2 दिसंबर 1972 को मेरा जन्म हुआ। बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मैं गरीब तबके से बिलोंग करता हूँ। तो कुछ देखा कि दबे कुचले लोगों, गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। तो शिक्षा के साथ साथ जब मैं आगे आया तो मैं एक शिक्षक रहा, एक विद्यालय खोला, जिस विद्यालय को, उस विद्यालय का नाम है संत गाडगे कानून प्राथमिक विद्यालय। कहीं से प्रेरणा मिली संत गाडगे जी की, मुझे उनके पुस्तक को पढ़ा मैं, तो उनकी प्रेरणा लेके विद्यालय खोला और आगे चल पड़ा। तो कुछ आगे बढ़ा तो फिर एक डॉक्टर प्रेम सिंह पहाड़ी जी मुझे मिले, वो कांग्रेस पार्टी में बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे, देखा मेरी प्रतिभा को, देखा आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने एक फोरम बनाया, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास फोरम, उस फोरम का उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तमाम दलितों के काम मैं करता रहा, उनकी लड़ाई लड़ना शुरू किया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दलितों को लेकर आपकी दलितों के प्रति क्या परिभाषा है, क्योंकि लालू जी दलितों की कुछ अलग परिभाषा देते हैं, मुलायम जी दलितों को कुछ और तरीके से परिभाषित करते हैं। आपकी नज़र में दलित क्या है? हाँ ठीक है, देखिए ये जितनी भी पार्टियां ये जाति के नाम पे दलित करते हैं, चूंकि इन्होंने इनके पास एक रटा रटाया शब्द है जो इनके अंदर संस्कार भर गया है, लेकिन सत्य ये है, दलित शब्द संस्कृत के दरिद्र शब्द से निकला हुआ है। तो दरिद्र का मतलब होता है गरीब, जो गरीब है, दबा कुचला है, वही दलित है। तो हम उन दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं। जाति के नाम पे मैं दलित नहीं मानता हूँ, जो गरीब है, दबा कुचला, वही दलित है और उसको हम ऊपर उठाने का काम करेंगे। और चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम ये करेंगे। चौधरी साहब, मानव क्रांति पार्टी जो आपने बनाई है, एक राजनीति पार्टी बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था और जो अब तक की राजनीतिक पार्टी है, क्या आपका उन पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं रहा जो आपने सोचा कि क्यों ना आप एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी जाति और धर्म संप्रदाय की बात करते हैं और इन्हीं पे काम करते हैं। हमें ऐसा लगा कि मानवीय विचारधारा होना चाहिए, तभी देश का कल्याण हो सकता है। इसलिए हमें लगा कि अब हमें जनता को एक विकल्प देना होगा, कुछ बताना होगा, तब हमने मानव क्रांति पार्टी का जन्म दिया। और ये मानव क्रांति पार्टी 25 अगस्त 2014 को हजरतगंज काफी हाउस लखनऊ में हमने बैठ करके, कुछ हमारे फोरम के सदस्य थे, उनके साथ तय किया और हमने पार्टी का गठन किया। मानव क्रांति पार्टी में फिलहाल कितने सदस्य जुड़ चुके हैं और आगे इस पार्टी को लेकर भविष्य में आपने किसी चुनाव में उतरने का सोचा है? भविष्य में इस पार्टी को लेकर आपकी क्या विचारधारा है कि आप किस चुनाव में इस पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे? देखिए, हम तो 2017 मिशन ही बना के चले हैं कि 2017 में हम जनता तक पहुँच करके पूरी तरह से चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। कुछ हमारे पास और नई पार्टियां हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। सारी पार्टियां मिल करके हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे और जनता को बताएंगे कि एक ऐसी पार्टी है जिसका, जिसकी विचारधारा, जिसकी सोच मानवीयता पे है और जिससे देश का कल्याण हो सकता है। इस प्रदेश के किसान खुशहाल हो सकते हैं, इस प्रदेश के मजदूर खुशहाल हो सकते हैं और वो हम करेंगे आने वाले समय में। अन्य राजनीतिक पार्टियां में ऐसे नहीं, वो जाति के विकास की बात करते हैं, धर्म के विकास की बात करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं और ये हम नहीं करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले एक राजनीतिक पार्टी का आपने निर्माण किया है, तो मेरा यही सवाल है आपसे कि राजनीतिक पार्टी बनाने के पीछे कहीं ना कहीं आपका राजनीति में शुरू से ही रुझान था जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, या फिर ये रुझान अभी आया, या कोई ऐसी घटना हुई जो आपको प्रेरित कर गई कि आपको एक ना एक राजनीतिक पार्टी बनानी है?
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैं शुरू से ऐसा मेरा कोई रुझान नहीं था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं मैं सकता था कि मैं राजनीति करूंगा, मैं पार्टी बना सकता हूं, ऐसा तो हम संभव ही नहीं था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में आईं कि मुझे राजनीति में आना पड़ा। जब मैं साधारण सा अध्यापक था, एक घटना आपको बता दूं, साधारण सा अध्यापक था और छोटे भाई को पुलिस एक बार पकड़ लेके आई और जबरदस्ती उन्होंने कहा ये, जबकि वो खाना देने गया था, और उसको चोर कह करके उसको बंद कर दिया। और मैं उनसे गिड़गिड़ाता रहा कि साहब मैं एक अध्यापक हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मेरा भाई है, ये चोर नहीं हो सकता है, और इसको छोड़ दीजिए। लेकिन वो नहीं छोड़े, अंततः मुझे पुलिस को 3,000 रुपया पे किसी दलाल के माध्यम से देना पड़ा। तब मुझे राजनीति की सोच आई, तभी मैं पहाड़ी जी के संपर्क में आया और फिर मैं मानवा अधिकार का कोर्स किया। मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ और काफ़ी कुछ किया, तभी अब आकर के राजनीतिक पार्टी बनाई और आगे करने की बहुत कुछ, उन इस प्रकार से दबे कुचले लोगों को, इन किसानों को खुशहाल करने के लिए, इनके साथ अन्याय और अत्याचार ना हो, इसलिए हमने ये पार्टी बनाई और आगे करेंगे, और इसी विचार के साथ हम प्रदेश में अपनी फतह करेंगे। एक दिलचस्प और सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी को वोट क्यों दें? देखिए क्योंकि हमारी विचारधारा स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश के लोग पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश में ऐसे दो राजनीतिक दल इस समय हावी हैं कि जिनके राज्य में भ्रष्टाचार अत्याचार, एक के राज्य में तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो जाता है, रुपया का लेन देन शुरू होता है, जनता उससे दुखित हो जाती है, दूसरे के राज्य में भ्रष्टाचार अत्याचार गुंडागर्दी खूब होती है, जनता अच्छी तरह से समझ रही है। तो हम इन दोनों को ठीक करेंगे, हम प्रदेश की जनता को भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, और वो सारी योजनाएं हमने तैयार कर ली है, किस तरह से हमें काम करना है वो हमने तैयार कर ली है, और जनता तक जब ये बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर से जनता हमें वोट देगी और हमारी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के लिए क्या आपने कोई मैनिफेस्टो तैयार किया है? मैनिफेस्टो में क्या आपने कुछ इस तरह की तैयारियां की हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ विकास को लेकर आपने नया सोचा है, कुछ योजनाएं बनाई हैं? अगर बनाई हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट तौर पे बताएं। देखिए अभी तो पूरी तरह से नहीं, मैं आपको बता दूँ जो शॉर्ट रूप में कि हमने किसानों के लिए क्या योजना बनाई है। किसानों को चाहिए खाद चाहिए, किसानों को बिजली चाहिए, किसानों को पानी चाहिए, और ये हम देंगे, वो योजना हमने तैयार कर रखी है, लेकिन अभी पूरी तरह से ओपन नहीं करेंगे। हम किस तरह से देंगे वो हमने तैयार कर रखी, किसानों को हम किस तरह से खुशहाल करेंगे, मजदूरों को किस तरह से खुशहाल करेंगे, क्योंकि जनता इस समय, किसान हमारा, किसान को बिजली पानी खाद चाहिए और वो मिल नहीं रहा है, इससे किसान त्रस्त है, और वो हम करेंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय में, जो हमने पहले भी देखा कि किसानों ने खुदकुशी करी, ऐसी आर्थिक स्थिति उनकी हो गई थी कि उन्होंने आत्मदाह कर लिया, तो ऐसे में अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो वो नहीं होएगा, तो ये एक अच्छी बात है कि किसानों के लिए आप इतना सोच रहे हैं। फिर भी और भी कुछ विकास की बात है, क्योंकि आमतौर पर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि गाँवों में बिजली नहीं है, मूलभूत जो सुविधाएं होती है पानी तक नहीं है, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या आपने कोई योजनाएं तैयार करी हैं? बिल्कुल, हमारी सरकार में पूरी मूलभूत आवश्यकता, देखिए जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान सड़क सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य बिजली और क्या चाहिए, तो हमने ये योजना तैयार कर रखी है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो जनता को हम ये पूरी तरह से ये मूलभूत आवश्यकता उसकी पूरी करेंगे। कैसे करेंगे वो योजना हमारे पास है, और वो तो अभी हम नहीं, बाद में ओपन करेंगे, लेकिन इतना है कि हम कर देंगे। चौधरी साहब, आधिकारिक तौर पर आपको मानव क्रांति पार्टी बनाने का जो अधिकार है वो कब मिला, और क्या ये मिल चुका है या अभी इसको मिलने में कुछ और समय लगेगा? अरे भैया ये तो मेरे सामने ही ये प्रमाण पत्र है, और वो मुझे आज ही मिला है, 7 तारीख को ये रिले हुआ है, और 2014 में 25 अगस्त 2014 को हमने गठित किया था और 23/9 को हमने दाखिल किया था चुनाव आयोग में, तो वो आज मिल गया और मुझे ये प्रमाण पत्र मिल करके बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं दौड़ भाग तो करता रहा, कोई पैसा नहीं दे सकता था, मुझे लग रहा था कि मेरी पार्टी रजिस्टर्ड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन ये हुआ और आज मुझे बड़ी खुशी है, ये प्रमाण पत्र तो मेरे पास है, मेरे हाथ में है, वो आज मुझे मिला हुआ है। आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, चुनाव आप लड़ रहे हैं, हो सकता था आप कहीं और भी चुनाव लड़ सकते थे, आपने उत्तर प्रदेश को ही चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त क्षेत्र क्यों चुना? देखिए उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं
और उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं जिस तरह से जनता आज पीड़ित है, तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले वहां तो कुछ करूं जहां मैं हूं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को सबसे पहले हमने टारगेट में रखा कि पहले हम उत्तर प्रदेश को ठीक करेंगे, फिर इसके बाद अन्य प्रदेशों को जाएंगे। मेरा एक वाजिब सवाल है आपसे कि आप एक पार्टी बना रहे हैं, अकेले तो एक पार्टी नहीं बनती है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी होगी, दलितों के हित के लिए पार्टी होगी। हो सकता है कि आप उन सब चीजों को अपने मन में, अपने दिल में कहीं ना कहीं जहन में रखते हो, लेकिन आपकी पार्टी के और भी सदस्य आपसे जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि ये चयन चल पाएगी, सब लोग होंगे जो भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी का नवनिर्माण कर पाएंगे? हाँ ठीक है, इस पे हम जो भी हमारे सदस्य हैं, सबसे पहले हम संकल्प पत्र भरवाएंगे और संकल्प हमने बना लिया उनको बताते हैं, जो हमारे विचारधारा से जुड़ेगा उसे पार्टी में जोड़ेंगे, और जो विचारधारा से नहीं जुड़े तो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें विश्वास है आज नहीं तो कल हमारे पास लोग हो जाएंगे। शिक्षा को लेकर मेरा एक सवाल है कि शिक्षा को लेकर आप क्या, आपकी क्या उम्मीदें हैं शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने हाल ही में देखा है कि स्कूलों में बोर्ड के जब एग्जाम होते हैं तो वहां पे भी पर्ची और नकल वगैरह ऐसी चलती है खुलेआम। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वहां का शिक्षा का स्तर क्या होगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में कुछ ना कुछ बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज ये शिक्षा, शिक्षा को जब सुधार हम करें, क्योंकि आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो शिक्षा के ही कारण बैठा हूँ। यदि मैं शिक्षित नहीं होता तो मैं आपके साथ इस इंटरव्यू में नहीं होता। मैं तो एक मजदूर का बेटा हूँ, मैं तो कहीं मजदूरी करता होता। तो इस पे तो मैंने शुरुआत कर भी दी, क्योंकि मैं एक शिक्षक रहा हूँ। एक मैंने पहले बताया कि मेरा विद्यालय चल रहा है और वहाँ बहुत ही अच्छी गुणवत्ता मैं दे रहा हूँ, शिक्षा के साथ संस्कार दे रहा हूँ, और हम देंगे आने वाले समय में प्रत्येक स्कूलों में शिक्षा और संस्कार देंगे और दुरुस्त करेंगे वहाँ के अध्यापकों को। शिक्षा के अलावा दूसरा कार्य नहीं देंगे। आज जो है, जो सरकारें हैं शिक्षक को तमाम कार्य दे देते हैं जिससे वो सही शिक्षा नहीं दे पाता है, जिससे आज पूरी तरह से, जो आपने अभी कहा कि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो पर्चियाँ, जब लड़के पढ़ते नहीं हैं तो उनकी उसकी आवश्यकता होती है। आज मैं तो अनुभवी हो चुका हूँ, मेरा अनुभव हो चुका है कि मेरे विद्यालय के उन बच्चों को नकल या पुर्जी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब सही शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी, और हम इस स्तर को भी उठाएंगे। इसके विषय में भी हमने योजना तैयार रखी है कि गरीब तबके के मेधावी बच्चों को किस तरह से हम ऊपर उठाएंगे, उनके लिए कैसी शिक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे, वो सारी व्यवस्था हमने तैयार कर रखी है। जी, जो आपकी पार्टी है इसमें फिलहाल कितने सदस्य जुड़ चुके हैं, और आपकी पार्टी को लेकर जुड़ने के लिए कोई जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं कि लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि आप हमारी पार्टी जुड़े? अगर इस प्रकार का अभियान है तो जरा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए जब डाला था तो 120 सदस्यों का हमने एफिडेविट दिया। चार मेरे खास सदस्य रहे, चार पदाधिकारी रहे, जिसमें मैं, मेरे साथ में रमाकांत गुप्ता उपाध्यक्ष जी हैं, महासचिव रमेश चंद्र वर्मा जी हैं, और कोषाध्यक्ष अरुण कुमार सोनी जी हैं। ये चार स्तंभ रहे और 120 लोगों को हमने एफिडेविट में सदस्य के रूप में दिया। बाकी हमारे साथ इसके पहले शेड्यूल कास्ट वर्कर क्लास फोरम में जब चला रहा था तो उसके जो सदस्य हैं उन तक मैं अपना मैसेज पहुंचा रहा हूं कि मैं अब राजनीतिक पार्टी गठित कर लिया हूं। आपको लगता है कि इस पार्टी से भला होगा और राजनीतिक पार्टी गठित करनी चाहिए तो आप जुड़ जाइए। तो अब हम उन तक अभी तो फोन या मैसेज के द्वारा पहुंचा रहे हैं, अब अभियान छेड़ेंगे। अभी तक हमने कोई ऐसा अभियान नहीं किया है, कार्यकर्ता बैठक ही केवल एक की है, तो अब आगे करेंगे। क्योंकि प्रमाण पत्र आज हमें मिला है, अब हम पूरी तरह से पार्टी के अधिकृत हो चुके हैं कि अब हम अपना प्रचार प्रसार करें। अभी तक हमें भी डर लग रहा था कि हम करें कुछ होगा, पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, इसलिए अभी तक अब करेंगे हम। पार्टी बना रहे हैं आप, तो पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं फंड की काफी आवश्यकता होती है। चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें फंड चाहिए, तो ये फंड कहाँ से आएगा और किस तरह ये फंड एकजुट कर पाएंगे आप? ये फंड के लिए हमारे जो हमारे समर्थक हैं, क्योंकि इसके पहले भी तमाम लोग हमसे मिले और उन्होंने यही कहा कि आपकी पार्टी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो हम आपको फंड देंगे और कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। और वो कोई अमीर तबके के लोग नहीं हैं, वो साधारण हैं, सरकारी सर्विस वाले हैं। उनको लग रहा है कि आर एन चौधरी कुछ कर सकते हैं, तो अब वो हमें तो फंड आएगा। इसके बाद जब हम काम करेंगे तो और फंड आएगा, फंड की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हम परमात्मावादी भी व्यक्ति हूँ। मुझे परमात्मा पर विश्वास और यकीन है कि मैं नीचे से उठ करके जब यहाँ तक आया हूँ तो मैं आगे भी कुछ करूँगा और वो मेरी सहायता करेगा। फंड तो मेरे पास कहीं ना कहीं से आएगा, ज़रूरत है फंड की मैं मान रहा हूँ, और वो मैं बहुत ही अन्यायी अत्याचारियों से फंड लूंगा भी नहीं। वो कितना भी दे दे तो मुझे नहीं चाहिए उनका फंड। मुझे 10 रुपया सही है, लेकिन 10,000 नहीं ठीक होगा, और वो हमारी जनता देगी, जनता से मिलेगा हमें फंड।
आप नई पार्टी बना रहे हैं और आने वाले यूपी चुनावों में आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो हम इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही हम आशा करते हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आप खड़ी कर पाएंगे, एक भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी के रूप में हम आपको देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर से भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और भयमुक्त, क्योंकि दोनों नारा हमने दिया है। मैंने एक नारा दिया है कि जुल्म हम करेंगे नहीं और जुल्म हम सहेंगे नहीं, क्योंकि मैं गांधीवादी और सुभाष चंद्र बोस दोनों को लेकर चल रहा हूँ। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा अलग थी, गांधी जी की विचारधारा अलग थी, तो नरम दल और गरम दल वो दोनों थे। तो इस कार्य को भ्रष्टाचार मुक्त और भयमुक्त बनाने के लिए भी गरम और नरम की दोनों जरूरत है, जिसके लिए 23 जनवरी 2016 में मैंने सुभाष सेना की गठन करने का फैसला दे दिया है, जिसमें मैं अभी खागा तहसील के तहसील अध्यक्ष की घोषणा भी कर दिया हूँ। तो सुभाष सेना हमारे गरम दल का काम करेगी, बाकी कुछ और संगठन होंगे जो नरम दल का काम करेंगे। तो दोनों दल करके हम दोनों को बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त और भयमुक्त सरकार दे लेंगे। आपकी पार्टी को आने वाले यूपी चुनावों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। केबी न्यूज इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद, और आपकी पार्टी को आने वाले यूपी चुनावों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी को एक देख पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में यूपी का विकास निश्चित तौर पे होगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत साहब से जो मानव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बहुत से दावे किए हैं, और अगर इनके दावे सही साबित होते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में यूपी को हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के रूप में देख पाएंगे, और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो प्रशासन में कहीं ना कहीं कमियां जो लोग बताते हैं वो कहीं ना कहीं दूर होती नजर आएंगी, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक अच्छा विकास होगा अगर ये जो दावे करते हैं वो सही साबित होते हैं। फिलहाल आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे एक मुलाकात। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, अगली बार मिलते हैं किसी और हस्ती के साथ। नमस्कार।